चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन को, तो इसमें देखोगे 100 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, इतना जो सरफेस टेंशन दिया हुआ है उस सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है 0.07 न्यूटन पर मीटर है। अब यहाँ से 100 ड्रॉप्स है, ठीक है। अब रेडियस 1 मिलीमीटर, मतलब 100 1000 है, तो ऐसे छोटे छोटे 1000 ड्रॉप्स हैं और वो सारे मिल के एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं, ये बड़ा वाला, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो छोटू था इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो कंबाइंड फॉर्म बिगर द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, मतलब एनर्जी कितनी रिलीज होगी उसकी हमें कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले देखो, इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1000 ड्रॉप्स जो है वो 4/3 πr³, ठीक है ना, स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल R³। तो 4/3 से यहाँ से ख़त्म हो गया। तो यहाँ से देखोगे R की जो वैल्यू थी वो 1 मिलीमीटर थी, तो यहाँ से कैपिटल R जो है वो 10 R की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो 10 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल आर, इसमें स्मॉल आर की वैल्यू 1 दिया हुआ है, ये तो ये इसमें रख दोगे तो कैपिटल आर जो बड़ा वाला ड्रॉप बना उसका रेडियस हमें पता चल गया। प्यारे बच्चों, अब ये कहते हैं कि एनर्जी रिलीज, तो अगर एनर्जी रिलीज की बात करोगे तो देखो कितना होता है। तो अगर एनर्जी रिलीज करोगे तो एनर्जी रिलीज कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? डेल्टा ई एनर्जी रिलीज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज इन सरफेस एरिया यहाँ से, तो यहाँ से सरफेस टेंशन और मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन सरफेस एरिया, मतलब एरिया इनिशियल माइनस एरिया फाइनल, क्योंकि एरिया इनिशियल ज़्यादा था, तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 4πr₁ का स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 4π यहाँ से तुम देखोगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर। तो कुल मिला के अगर यहाँ से डेल्टा ई एनर्जी रिलीज देखोगे तो यहाँ से 4π और मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन टी और एरिया R₁² माइनस स्मॉल आर और ये कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो सरफेस एरिया है एक ड्रॉप का इतना ना, तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से सरफेस एरिया तुम देखोगे तो यहाँ से एरिया इनिशियली यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हो गया, क्योंकि जो है अब तुम देखोगे यहाँ से तो हाँ, तो सरफेस टेंशन टी और मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ इनिशियली माइनस एरिया ऑफ फाइनली, और यहाँ पर तुम देखोगे तो इनिशियली एरिया सरफेस टेंशन 1000 ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाई एक का हो जाएगा 4π r² माइनस 4π R² ये वाला। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से सरफेस टेंशन 4π कॉमन हो गया और 1000 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ से, तो 4π और सरफेस टेंशन टी और यहाँ से सबकी वैल्यू रख दो, चाहो तो यहाँ से सबकी वैल्यू रख दो और फिर फाइनली हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारे पास सोल्यूशन दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो इस स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, सबकी वैल्यू रख देता हूँ प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इसका सबकी वैल्यू रखता हूँ तो 4 यहाँ से 4 और पाई मतलब 22/7 और सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.07 और यहाँ से 1000 और रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस तुम देखोगे स्मॉल आर कितना था तो 1 मिलीमीटर था, तो 10⁻⁶ और माइनस कैपिटल आर कितना था, 10 10 मिलीमीटर था, तो 10² 100 और मिलीमीटर 10⁻⁶। तो यहाँ से जो डेल्टा ई एनर्जी रिलीज, यहाँ से ये बाकी काम जो है कैलकुलेट कुम कर लेना, 7.92 × 10⁻⁶ जूल ये आ जाता है। फाइनली लेट अस सॉल्व योर सेल्फ, तो ये यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही है और ये सारे गलत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।